Please, Mr. Nova, close it. तो गाइस अब किंग खान शाहरुख खान एक जंगली शेर के साथ दहाड़ेंगे। जी हाँ, पिछले साल एक के बाद एक 3 सुपरहिट फिल्में देने के बाद शाहरुख खान ने अपने नए प्रोजेक्ट पर कोई अपडेट नहीं दिया है। दरअसल शाहरुख खान का नाम कई फिल्मों के साथ जुड़ा रहा है, लेकिन किंग खान ने अभी तक किसी भी फिल्म की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान जल्द ही मुफासा की आवाज बनकर पर्दे पर वापसी करने वाले हैं। मशहूर एनिमेटेड ड्रामा फिल्म द लॉयन किंग के अगले पार्ट का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिल्म के पिछले पार्ट को दर्शकों का खूब प्यार मिला था, ऐसे में अब मेकर्स फिल्म का प्रीक्वल बना रहे हैं जिसका नाम मुफासा द लॉयन किंग है। हाल ही में फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जिसके बाद दर्शकों का उत्साह भी दुगना हो गया है। हालांकि अब खबरें आ रही है कि शाहरुख खान भी इस फिल्म का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल द लॉयन किंग का रिमेक 2019 में रिलीज हुआ था। फिल्म की हिंदी डबिंग में कई कलाकारों ने अपनी आवाज दी थी। मुफासा के किरदार के साथ साथ दर्शकों को शाहरुख खान की आवाज भी सुनने को मिली। ऐसे में फिल्म के आने वाले भाग में मुफासा की कहानी दिखाई जाएगी जिसमें किंग खान फिर से अपनी आवाज दे सकते हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। मुफासा द लॉयन किंग इस साल 20 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी। हालांकि इस फिल्म का मुकाबला बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार और आमिर खान के साथ हो सकता है। दरअसल अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल और आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर इस साल के अंत में रिलीज होगी। रिपोर्ट की माने तो दोनों फिल्में क्रिसमस पर सिनेमा घरों में दस्तक देगी। ऐसे में द लॉयन किंग की रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर तिहरी टक्कर देखने को मिल सकती है। वैसे आप कितने एक्साइटेड है शाहरुख खान की आवाज के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।